दोस्तों, पैंडेमिक से पहले आयुष्मान खुराना कंटेंट ड्रिवन फिल्मों के पोस्टर बॉय थे। उनकी एक के बाद एक स्मॉल बजट बट हाई ऑन कंटेंट फिल्में हिट होती रही और इन्वेस्टर्स उनको सेफ बेट मानते थे। 2017 से 2019 उनके लिए खासकर बहुत अच्छा रहा। 2017 में उनकी दो रिलीज थी, एक थी कृति सनोन और राजकुमार राव के साथ बरेली की बर्फी और दूसरी थी भूमि पांडेकर के साथ शुभ मंगल सावधान, और दोनों ही फिल्में हिट रही। 2018 में उन्होंने वैरायटी ऑफ फिल्में की, जहां पे एक तरफ थी श्रीराम राघवन की डार्क फिल्म अंधाधुन, वहीं दूसरी तरफ थी अमित शर्मा की फैमिली फिल्म बधाई हो। दोनों ही फिल्में साल की सबसे बड़ी हिट्स में से रही और अंधाधुन के लिए उनको नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला। 2019 में भी उनकी डिफरेंट चॉइस ऑफ फिल्म्स लोगों को बहुत पसंद आती रही और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होती रही। 2019 में उनके रिलीजेस थे अनुभव सिन्हा की आर्टिकल 15, अमर कौशिक की फिल्म बाला और राज शांडल्या की फिल्म ड्रीम गर्ल। फिर आई 2020 में पैंडेमिक, जहां पे फिल्म थिएटर्स बंद हो गए और लोगों को कंटेंट OTT में मिलने लगे। 2020 में पैंडेमिक से पहले आयुष्मान खुराना की रिलीज थी शुभ मंगल ज्यादा सावधान, जिसने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बिजनेस किया था। 2020 में उनकी दूसरी OTT रिलीज थी अमिताभ बच्चन के साथ सुजीत सरकार की गुलाबो सिताबो। ये फिल्म हालांकि क्रिटिकली अक्लेम थी, पर OTT में भी इसको ज्यादा व्यूअर्स नहीं मिले। जब फिल्म थिएटर्स फाइनली ओपन हुए तो 2021 में आयुष्मान खुराना की रिलीज थी चंडीगढ़ करे आशिकी। ये फिल्म अप्रिशिएटेड तो बहुत हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने कुछ खास बिजनेस नहीं किया। 2022 में उनकी दो रिलीजेस थी, अनुभूति कश्यप की डेब्यू फिल्म डॉक्टर जी और अनुभव सिन्हा की फिल्म अनेक। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही और आयुष्मान खुराना, जिनको अक्षय कुमार के बाद दूसरा सबसे सक्सेसफुल एक्टर माना जा रहा था, उनका टाइम अभी चेंज होने लगा। 2022 में उनकी लास्ट रिलीज थी अनिरुद्ध अय्यर की फिल्म एक्शन हीरो। ये फिल्म क्रिटिक्स को बहुत पसंद आई और बहुत लोगों के बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2022 के लिस्ट में इस फिल्म को जगह मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म भी डिजास्टर रही। 2023 में बॉलीवुड की हालत सुधरते दिख रही है, जहां पे ऑलरेडी दो ब्लॉकबस्टर फिल्में आ चुकी है, शाहरुख खान की पठान और सनी देओल की गदर 2। इसके अलावा कार्तिक आर्यन की सत्य प्रकाश की कहानी, विकी कौशल की जरा हटके जरा बचके और रणवीर सिंह की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने भी अच्छा बिजनेस किया है। डिफरेंट वैरायटी की फिल्में हिट हो रही है और पब्लिक सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है, और इसी टाइम में आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल का सीक्वल ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हो रही है। ये फिल्म भी राज शांडल्या डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म में उनके साथ है अनन्या पांडे। क्या आयुष्मान खुराना अपने पिछले 3 साल का जिंक्स तोड़ के फिर से एक हिट मशीन बन पाएंगे? ये तो ड्रीम गर्ल 2 के रिलीज के बाद ही पता चलेगा।